तकरीबन ये 17 साल हो गए, लेकिन ये जो एग्जीबिशन है वो उसको हमने 16th का नाम दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से हम पिछले साल नहीं कर सके थे। अब ये जो 16th की IDF है, इसके सिलसिले में सारी डिटेल्स जो है वो आपको पहले वकार मतीन साहब बताएंगे। ये हमारे कन्वीनर हैं कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के, और ये बुक फेयर इनके अंडर में हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा वकार मतीन साहब से कि आप तशरीफ लाएं और दोस्तों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब आमद का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, अपने वक्त कीमती वक्त निकाल के। जैसा कि आपके सबके इल्म में है कि ये हमारा, हमने बताया, 16 बुक फेयर है और 3 हॉल्स में होता है। पहले जो ये 2 दिसंबर को होना था, मगर वो हो नहीं सका क्योंकि हमारे पास हॉल की अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ था। मगर वो चेयरमैन साहब की कोशिश और हमारी मैनेजिंग कमेटी की मेहनत से वो हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये क्योंकि हमारे पास बुक सेलर्स की इतनी तादाद होती है कि हम 2 हॉल में कर नहीं सकते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बुक फेयर शुरू होने लगा है। 30 दिसंबर से होगा, 3 हॉल में होगा, हॉल 1, 2, 3 में, और ये 3 जनवरी तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस दफ़ा जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास लाहौर से अच्छी बड़ी तादाद में बुक सेलर्स ने हिस्सा लिया, जो एक काबिल-ए-तारीफ बात है कि दूसरे सूबे से, दूसरे शहर से लोग आ रहे हैं। जहलम से भी लोग हैं, इस्लामाबाद से भी लोग हैं, हैदराबाद से भी लोग हैं, जो हमें हमें खुशी है कि लोगों ने जो है भरपूर शिरकत की इसमें। इसका अफ्तिताह जो इंशाल्लाह 30 तारीख को होगा सुबह 11 बजे, 11:30 बजे, उसमें यकीनन आप सब लोग की शिरकत होगी इंशाल्लाह। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सरदार अली शाह साहब हैं, जो उसके चीफ गेस्ट हैं, और स्पीकर हमारे ये अनवर मकसूद साहब, बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं अभी हमारी। अनवर मकसूद साहब जो हमारे वो क्यूनोट स्पीकर होंगे इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह। जो हमारे बुक सेलर्स हैं, तकरीबन हमारे इसमें 315 स्टॉल्स हैं जिसमें 137 बुक सेलर्स हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ से मुख्तलिफ कंट्रीज से किताबें मिलेंगी, USA, UK, सऊदी अरब, इन पब्लिशर्स की किताबें आप लोगों को वहाँ दस्तियाब होंगी। चूँकि वो लोग तो कोविड की वजह से आपको पता नहीं लोग आ सक रहे, मगर उनका स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले पे होगा और आप किताबें मिलेंगी इंशाल्लाह। कुछ लोगों को जो है हमारे हम लोगों ने एजाजी स्टॉल भी दिए हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ हमारे जो इदारे हैं जिसने सिंटक जो बोर्ड उनको हमने दिया, रेक्टिसन, कराची आर्ट्स काउंसिल, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, शाह अब्दुल लतीफ चेयर, सिंधी एपी बोर्ड, इन सबको हमने एजाजी स्टॉल दिए, हर साल देते हैं इस साल दिया। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, इनको भी हमने एजाजी स्टॉल्स इस दफा भी हर साल की तरह दिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप आइए उस दिन और भरपूर शिरकत कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग किताबों हमारे साथ जारी रहेगा। 30 तारीख को जैसे चेयरमैन साहब ने कहा 11:30 बजे आप लोगों की हम लोग इंतजार करेंगे इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वकार मतीन साहब, कन्वीनर कराची इंटरनेशनल बुक फेयर। मौजूद दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, अभी मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में मैंने कहा कि जब ये सफर शुरू हुआ तो जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया हमारे पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के अलावा वो आप थे। और जब हमने ये सफर शुरू किया तो हमारे पास ना पैसे थे और ना किसी की मदद थी, और सिर्फ अल्लाह ताला ने हौसला दिया था, उसने हमें मदद दी कि हम आगे बढ़ने की एक अपने अंदर सकत पैदा कर सकें, और वो फिर वो कारवां चलना शुरू हुआ। लेकिन हमने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके साथ थी उसमें आपसे ये गुजारिश की थी कि देखें ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये दरअसल अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दी एसोसिएशन है, ये किसी का जाती मफाद नहीं है बल्कि एक इज्तिमाई मफाद के लिए, अपने मुल्क के लिए। उस वक्त पाकिस्तान के वैसे बहुत हालात खराब थे अफगानिस्तान की वजह से, इधर इंडिया ने परेशान किया हुआ था, तो कोई भी आने को तैयार नहीं था और भी दीगर मसाइल थे। उस वक्त जब इसका इफ्तिताह हुआ है फर्स्ट टाइम, तो अक्टूबर में जलजला आ गया था, वो भी आपको याद होगा।
लेकिन मीडिया ने कराची इंटरनेशनल बुक फेयर को ओन कर लिया। उसने इस पे जिस तरह पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुकसेलर एसोसिएशन इसको ओन करती है, बिल्कुल इस तरह पाकिस्तान के मीडिया ने, सिंध के मीडिया ने इसको ओन कर लिया और वो जो साथ है वो आज तक बरकरार है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ और आज तक हमारे साथ मौजूद है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि आपने उस कॉज के अंदर, जिस कॉज के, जो कॉज था हमारा वो ये था कि हम अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दें कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ टेररिज्म नहीं है, हमारे यहाँ बुक कल्चर भी है, हमारे यहाँ लोग अगवा नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद है और जिनका ताल्लुक ज्यादातर मिडिल क्लास से होता है कि जो लाइन लगाकर तमीज के अंदर एक्सपो सेंटर में दाखिल हो रहे होते हैं। ये भी एक कल्चर है पाकिस्तान का जो दुनिया को दिखाना जरूरी था, और वो दुनिया को हम दिखाएं कैसे, वो आपके थ्रू दिखा सकते थे। आप लोगों ने उसको दिखाया कि लाइनें जो है वो पीआईए प्लेनेटेरियम से लेकर और एक्सपो सेंटर तक लगी हुई है, खवातीन की एक तरफ और मर्दों की एक तरफ, और कोई इधर उधर से नहीं जा रहा। ये बात साबित करती है कि पाकिस्तानी कौम जो है उसके अंदर हर चीज का नब्ज़ ज़ब्त भी है, लेकिन जब हुकूमती सतह पे या वो तमाम इदारे जो कि जो इसके जिम्मेदार हैं वो जब इसमें आगे नहीं बढ़ते, और वो लोग के जो के लेस प्रिविलेज कहलाते हैं या जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, वो उन तमाम चीजों को गलत तरीके से करते हैं तो हर आदमी शुरू हो जाता है। लेकिन दरअसल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो कि स्पाइन होती है किसी भी कंट्री की, वो पाकिस्तान की जो है वो पूरा हौसला रखती है पाकिस्तान को आगे ले जाने में, उसमें कोई कमी नहीं। उसके साथ एक इस इमेज को जो आपने दिखाया कि आप दिखा रहे हैं कि औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, लोग व्हील चेयर पे आ रहे हैं, ये सब आपके कैमरों ने दिखाया, ये हम नहीं दिखा सकते थे, ये सब आपका साथ था। उसके साथ फिर आपने ये दिखाया कि यंग माएं आ रही है, बच्चों को लेकर आ रही है, बुक स्टॉल्स में से दोनों हाथों में थैले लिए हुए जा रही है। अगर वो कह रहा है कि मुझे 100 रुपए की दो किताबें चाहिए तो माँ उसको 4 किताबें दिला रही है, ये तमाम चीजें आपने दिखाई। लेकिन ये जो चीजें आपने मीडिया पे दिखाई, इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के अंदर एक शौक और जौक पैदा हुआ जो हम चाहते थे कि हम अपने मुल्क के अंदर, अपनी खवातीन के अंदर, अपने बच्चों के अंदर जो उनका शौक है लेकिन इतना आगे उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, वो उर्दू बाजार या दीगर जगहों पर, एक जगह उनको पार्किंग नहीं मिलती है, जो बुजुर्ग हैं वो लिटरेचर में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनको लिटरेचर वो नहीं मिलता। तो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो एक्सपो के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है। माजरत के साथ मैं एक्सपो सेंटर वाले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कोई भी हमसे ताबुन नहीं करता, ना हम उनसे ताबुन चाहते हैं, क्योंकि ताबुन लेने के बाद फिर IMF वाली पोजिशन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ आप लोग हैं और हम लोग हैं जिनकी पार्टनरशिप चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टनरशिप ने आज कराची इंटरनेशनल बुक फेयर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेयर बना दिया। और जो छोटे बच्चे हैं, जो देखें किसी भी मुल्क के अंदर खवातीन जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और खवातीन के बगैर कोई माशरा तक मैं नहीं समझता कि वो तरक्की कर सकता है विदाउट खवातीन। ये बिल्कुल मेरा एक अपने में नजरिए में कायम है कि खवातीन हमारे 50% हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ खसूसियात पैदा किए, कुछ मर्दों के अंदर पैदा किए, और जब हम मिलके चलते हैं तो हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो वो माएं जो यंग होती हैं और वो खुद पढ़ी लिखी होती हैं, वो जो अपने बच्चों को तालीम देती हैं, उससे मुल्क का कल्चर चेंज हो जाता है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी जो दुश्मन भी है बदकिस्मती से, हिंदुस्तान की देख लें कि 40 करोड़ मिडिल क्लास ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी, और वो सब का सब इसलिए हुआ कि वहां की यंग माओं ने एक रोल प्ले किया अपने बच्चों की तालीम के लिए। तो ये एक बड़ी खुशायन बात है कि जब खवातीन बच्चों को लेकर एक्सपो सेंटर आती हैं तो उनको एक तहफ्फुज़ हासिल होता है कि वो जहां जा रही हैं वहां पर उनको सिक्योरिटी है, उनके बच्चों को सिक्योरिटी है, वहां पे वॉशरूम्स हैं, वहां पे बाहर रेंजर्स खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, सब कराची इंटरनेशनल बुक फेयर की इंतजामिया जो है वो उन खवातीन को लुक आफ्टर करती है। तो वहां पे हमने स्टॉल्स भी खाने पीने के रखे हुए होते हैं ताकि बच्चे साथ होते हैं। इसी तरह हमने अपने बुजुर्गों के लिए, आप देखेंगे कॉरिडोर्स के अंदर हमने सोफे लगाए हुए होते हैं और उसमें खास तौर पर लिखा होता है ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, और अगर बच्चे बैठे हुए होते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा ये हमने आपके बड़ों के लिए और ऐसी खवातीन और हजरात के लिए किए हैं जिनको चलने में तकलीफ होती है।
या जो बीमार हैं, लेकिन वो किताबों के शौकीन है। एक दफा आप ही लोगों ने देखा था, आप ही लोगों ने हाईलाइट भी किया था कि एम्बुलेंस पे एक साहब आए स्ट्रेचर के ऊपर, और हम तो डर गए, हमने कहा पता नहीं खुदा ना करे कराची में वो इतना कुछ हो रहा है, ये क्या हो गया। तो पता ये चला कि वो शैदाई है किताबों के, लेकिन उनको ऐसी बीमारी है कि वो मतलब सिर्फ लेटे रह सकते हैं, वो उड़ भी नहीं सकते। तो उनकी वाइफ जो थी वो उनको स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में लिटा के और वो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर लेकर आई, और हमारे दोस्तों ने, हमारे बुक सेलर्स ने और पब्लिशर्स ने ये ताबून किया कि उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। वो जिस स्टॉल पे गई उस पब्लिशर और उस बुक सेलर ने कहा कि नहीं ये गिफ्ट है हमारा, जो आप पसंद कर रहे हैं आप हमारी तरफ से ले जाए। तो ये गुड जेस्चर, ये एक तरह का इखलाक जो पाकिस्तानी कौम में है, ये हम दिखा जा सकते हैं जब आपका ताबून हमारे साथ। जिस तरह मीडिया हमें कवर करता है टीवी के ऊपर, जिस तरह मीडिया प्रिंट मीडिया कवर करता है अखबारात के अंदर, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है। हमारे पास ना इतने जराए हैं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, अभी भी नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन जो बुक फेयर करती है उसके जो स्टॉल्स की कीमत है वो इतना कम रखती है कि हमारे बुक सेलर्स जो के अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इसमें शामिल हो सकें और वो इसमें आए और उनकी हिम्मत अफजाई हो। जब इसमें आपको कई खवातीन ऐसी बुक सेलर्स नजर आएंगी जिन्होंने हल्की फुल्की पब्लिशिंग भी शुरू कर दी है पिछले 6-7 साल में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन खवातीन को, एक खातून है बेवा है, एक खातून है जो उनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो ये काम कर रही है, तो हम ये एक तरह से हौसला अफजाई होती है माशरे के अंदर। ये हमारा काम है कि हम अपने माशरे के अंदर ऐसे तमाम लोगों को साथ लेके चले, और वो भी हमारा अगर साथ देने लगे तो इसमें क्या हर्ज है। और तालीम एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी चीज है जिससे माशरे सुधर सकते हैं। हमारे, मुझे आज तक याद है अपने जब मैं छोटा था तो मुझसे मेरे वालिद कहते थे कि बेटा जब हिंदुस्तान से हम लोग आए तो उन लोगों ने तरक्की की जो तालीम याफ्ता थे, मेहनती थे, लेकिन जिनके पास दौलत थी वो PIV कॉलोनी या मुस्लिम लीग क्वार्टर या पाकिस्तान क्वार्टर्स या सड़कों के ऊपर उनकी जिंदगी गुजरी और बेचारे मर गए क्योंकि तालीम नहीं थी उनके पास। लेकिन जो लोग एक नए मुल्क, आजाद मुल्क में आए, उन्होंने अपना मकाम बना लिया तालीम की वजह से। आज हमारे सामने श्रीलंका की और दीगर जगहों की मिसाल है। बांग्लादेश हमारा बाया बाजू था, यानी 16 दिसंबर, जहां लोग आर्मी पब्लिक स्कूल को याद करते हैं उसको भूल जाते हैं कि 16 दिसंबर को एक ऐसा सानिया हुआ था जिसने हमें बीच में से तोड़ के रख दिया। वो बाजू कहां से कहां निकल गया, वो हिंदुस्तान जिसका हम हिस्सा थे वो कहां से कहां निकल गया। तो कहीं हम में कहीं कोई कमी है, और हमारे नजदीक कोई चीज ये है कि एजुकेशन को फैलाया जाए, तालीम को फैलाया जाए। तालीम के लिए किताबें जरूरी हैं, और किताबों के लिए ये जरूरी है कि बुक सेलर को और पब्लिशर्स को बैकअप किया जाए, उनकी सपोर्ट की जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध किसी की भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसके अंदर बुक सेलर को या पब्लिशर को कोई मराहत हासिल हो। यहां तक के इतनी बदकिस्मती है कि लाइब्रेरीज खत्म हो रही हैं, लाइब्रेरीज का कोई बजट जो होता है वो दूसरी चीजों में वो इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन बुक सेलर उससे फायदा नहीं उठा पाता। करोड़ों रुपए का बजट होता है सिंध में, लेकिन उससे आप किताबें और या ऐसी किताबें खरीदते हैं जो कि स्टोर्स में पड़ी हुई होती है, डंप हुई हुई होती है, और वो हमारे बच्चों की जरूरत नहीं होती। तो ये अभी मैं इंशाल्लाह ताला परसों में सरदार शाह साहब का भी इस तरफ वो दिलवाऊंगा कि आप इस बात को देखें कि हम लाइब्रेरीज को किस तरह दोबारा पाल कर सकते हैं, या कम से कम हमारे पब्लिशर्स और बुक सेलर जो किताबें छापते हैं उसकी परचेजिंग तो हो। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अब आप देखें, अभी वकार मतीन साहब आपको बता रहे थे कि इस दफा लाहौर का पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे लाहौर हमारे साथ था, इस्लामाबाद था, हैदराबाद था, क्वेटा था, पिशावर था, हमने हर जगह से लोगों को बुलाया, क्योंकि कराची एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पे हर जबान बोलने वाला है, और वो जो जबान बोलता है उसकी मादरी जबान होती है, वो चाहता है कि उसमें उसको किताब मिले। हमने पश्तो अकेडमी को भी 2-3 दफा इनवाइट किया, और उन्होंने 1-2 दफा पार्टिसिपेट भी किया, फिर वो लोग नहीं आए। लेकिन ये तो वो हैरान रह गए जब पश्तो अकेडमी ने अपनी किताबें डिस्प्ले की और 3 दिन के अंदर पश्तो की किताबें खत्म हो गई। वो कहने तो पिशावर में भी नहीं बिकती। हमने कहा उससे ज्यादा तो पश्तो बोलने वाले कराची में, तो कहां से बिकेंगी।
तो यही चीज जो है हम चाहते हैं कि हमारी बलोची लिटरेचर भी बिके, सिंधी लिटरेचर हमारा माशाल्लाह से बिक रहा है, सिंधी अदबी बोर्ड, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, शाह लतीफ चेयर, इन सबको हम एजाजी तौर पर अपने स्टॉल्स देते हैं, इनकी किताबें यहाँ पे हम रखते हैं कि ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, लेकिन ये कोई पाल किरदार अदा नहीं करते सिंधी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन कम से कम ये तो हो कि जो सिंधी पढ़ने वाले हैं वो उनको अपनी जबान में किताब लिखें तो वो खुश हों। तो आपको ये तमाम चीजें कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में जब नजर आती हैं तो आपको एक खुशी होती है कि भाई अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम जो चीजें अचीव करना चाह रहे थे उस रास्ते पे गामजन है। अचीवमेंट तो नहीं, अचीवमेंट इंशाल्लाह ताला ये सब दोस्त आगे बैठे हुए हमारे दोस्त साथी, क्योंकि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, वो साथियों की मदद से टीम वर्क होता है। ये आगे पूरी टीम बैठी हुई है कराची इंटरनेशनल बुक फेयर की, दोस्तों की, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स की, जो हर वक्त साथ देते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो ये सब मिलके ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम हो ना हो लेकिन ये काम चलेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक ऐसा मौका आएगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर बलूचिस्तान, इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा तक, गांव देहातों तक जाएगी और लोगों के अंदर सोच में तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली फौरन तो नहीं आ सकती लेकिन अगर हम ये काम करते रहे। कराची बुक फेयर में आप एक चीज देखिएगा कि बसें भर के आती हैं, इंटीरियर सिंध में मेहरान इंजीनियरिंग कॉलेज से, पीपल्स मेडिकल कॉलेज से, सिंध यूनिवर्सिटी से, यानी कराची के तो इंस्टीट्यूशंस होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो अंदरूने सिंध से दोस्त हैं, हमारे तलबा और हमारे स्टूडेंट्स, वो बाकायदा इसमें आते हैं, सुबह आती हैं बसें और वो शाम को वापस चली जाती हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हम कराची के अलावा सखर जा सकेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग इंटीरियर में नहीं करते, तो हमने उनको बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, जिनकी किताबें बहुत महंगी होती हैं लेकिन वो रिसर्च में भी इस्तेमाल होती हैं, दीगर दराए में भी होती हैं। वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी ऐसी हो कि बारिश हो जाए या मिट्टी ना हो ताकि उनकी चीजें खराब ना हो। वो अभी हमारी बदकिस्मती है। अभी मेरी सैयद खुर्शीद अहमद शाह से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सखर में एक एक्सपो सेंटर की तरह का एक कोई चीज बना दें कि ताकि अगर हम इंटीरियर में कोई काम करना चाहें, वहां पे फंक्शन करना चाहें इस तरह का, तो वो सिर्फ किताबों का नहीं होगा और दीगर चीजों का भी हो जाएगा। तो देखिए अब जो लोग हुकूमत में हैं वो ये काम उनके करने का है और हमारा काम कहने का है, रिक्वेस्ट करने का है, और आपका काम उसको छापने का और लोगों को दिखाने का है जो हम और आप तो कर रहे हैं। मैं तो ये बात कह सकता हूं कि मीडिया पाकिस्तान का माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरे मुल्क ममालिक के मीडिया से करोड़ा दर्जे बेहतर। आप पड़ोसी का मुल्क का मीडिया देखें, आपको शर्म आएगी कि ये हिंदुस्तान का मीडिया है। मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तानी उसमें जाते क्यों है बोलने के लिए, जाने नहीं चाहिए। लेकिन ये कि हमें अपने को देखना चाहिए, हमारा मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम भी आपकी तरह अच्छा काम करते रहें और मुल्क के अंदर पब्लिशिंग को और बुक सेलिंग को फैलाते रहें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग तशरीफ लाए चाय पीने के लिए हमारे साथ, हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए। लेकिन ये एक तरह का हमारा आपसे शुक्रिया का भी वो होता है कि जब आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं तो हमें खुशी होती है कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ चाय पी। अगर कोई चीज आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वकार साहब से पूछ सकते हैं। अच्छा सईद भाई, बात दरअसल ये, आप भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप पीटीवी से माशाल्लाह इतने पुराने काम कर रहे हैं और पहले दिन से हमारे साथ हैं। देखें हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि एक्सपो सेंटर की हमारी मिल्कियत नहीं है। अब आपको वकार साहब ने बताया कि हम अगर तीन हॉल में नहीं करें तो हम दो हॉल्स में नहीं कर सकते। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो है वो सिंध की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने अपने लिए लिया हुआ था कोविड की वजह से। थर्ड जो था उसको उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से खाली कराया गया। तो कल अभी परसों बिल्डर्स का एक हुआ है और अब हमारा सही मानों में होने जा रहा है 5 डेज का। तो ये था 2 दिसंबर को, जिसको उनकी टेक्निकल मसाइल की वजह से हम नहीं कर सके और बीच में वेस्ट इंडीज की टीम आ रही थी। तो जब वेस्ट इंडीज की टीम आ रही थी तो वो इलाका बंद कर देते हैं, तो लोग नहीं आ सकते।
हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि 22 के अंदर हमने फिर 6 दिसंबर को बुक किया हुआ है एक्सपो सेंटर, तो हम ये चाह रहे थे कि हर सूरत में अभी हो जाए, और स्कूल्स को और इन सबको हमने इनविटेशन भेजा है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बच्चे भी आएंगे, आपके हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में अपने स्कूल से ना आए, लेकिन हो सकता है कि वो अपने वालदैन के साथ आए, तो नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कल्चर बन गया कराची के अंदर और बुक कल्चर प्रमोट हुआ है। जी अच्छा, ये सोशल मीडिया का किताब रीडिंग पर कितना असर हुआ है ये आप बताएंगे? हम तो ये सुन रहे हैं कि भाई पब्लिशर बड़े परेशान हैं, और पाकिस्तान में जो है बुक रीडिंग या किताब रीडिंग जिसे कहा जाए उसमें बहुत कमी आई है। आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल बजा है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं आई है, इसके अंदर बदकिस्मती ये है कि लाइब्रेरीज को डिस्करेज किया गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब नेशनलाइजेशन का जो था मरहला 72 के अंदर, और जो स्कूल नेशनलाइज हुए तो वहां पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती थी, बड़ी किताबें जाती थी उन लाइब्रेरीज के अंदर, उन लाइब्रेरीज कल्चर को खत्म कर दिया गया। लाइब्रेरीज भी खत्म हो गई, स्कूल भी खत्म हो गए। अभी आपके वजीर तालीम ने कहा ना कि 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, उसमें इतनी ले भी हुई, तो वो क्यों बंद कर रहे हैं? वो इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो बदन वो सब ऐसे ही स्कूल हैं कि जो कि दीवारें खड़ी हुई हैं और वहां पे काम नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल जो है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। प्राइवेट स्कूल्स ने ये रोल अदा किया है कि उन्होंने अपने यहां चाहे वो एक कमरा हो, लेकिन वो उन्होंने वहां पे लाइब्रेरी कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन उसके अंदर जो खराबी हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अगर हम ये चाहते हैं कि वहां पे हमारी सिंधी जबान और हमारी उर्दू जबान की किताबें, अगर हम सूबे सिंध की बात करें तो वो वहां पे हो बच्चों के लिए, तो वो उससे ज्यादा इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। ये एक है बात। मरहूम मुश्ताक यूसुफी साहब कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में टहल रहे थे, तो वो उस जमाने में इंडिया से भी उर्दू अदब की किताबें आई थी, तो वो उनके स्टॉल्स पे जाके फिर वापस आते थे तो लिबर्टी के सामने टहल रहे होते थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या परेशानी हो रही है? कहने लगे भाई मेरी पोतियां गई हुई है अंदर, 2 घंटे हो गए निकल ही नहीं रही। अब मैं किससे कहूं कि मुश्ताक यूसुफी की पोतियां और अंग्रेजी लिटरेचर ढूंढ रही हैं? तो ये आपकी बात का वो है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम देखें, ये काम सब मिलजुल के होता है अगर हुकूमत सिंध हमारा साथ दे दे। ये आप सरदार शाह से पूछिएगा कि आप लाइब्रेरीज के लिए क्या कर रहे हैं, आप लाइब्रेरीज फंड जो आपके पास रखा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उससे फर्नीचर या कंप्यूटर क्यों खरीद लेते हैं? उसका तो बजट है ना आपके पास, आप बराए मेहरबानी उसका टेंडर दें मार्केट, उसके अंदर अखबारात के अंदर बुक सेलर अपनी किताबें दें, एक टीम बनाइए जिसके अंदर सिंधी की उर्दू की अंग्रेजी की सब किताबें खरीदी जाएं, तो इससे इंडस्ट्री का भी फायदा होगा और इससे बच्चों को किताबें भी मुहैया हो जाएगी। सर ये बताइए कि सोली इंटरनेशनल बुक फेयर, सॉरी ये सोली इंटरनेशनल बुक फेयर, जी जी जी, और इसमें हर बार अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के अलावा देखिये पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन का ये साउथ का जोन है, जो कि जिसमें हमारी ज्यूरिडिक्शन जो है वो सिंध और बलूचिस्तान है, और दूसरी जो जोन है वो कहलाता है नॉर्दर्न जोन, जिसके नजम सिटी साहब चेयरमैन है, और वो उनके पास आता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का इलाका। लेकिन लाहौर के अंदर हर साल बुक फेयर होता है, और जाहिर है कराची जैसा नहीं होता, लेकिन ये कि हम 3 हॉल में करते हैं, वो 1 हॉल में करते हैं, हमारी दुआ है कि वो 2 में करें, फिर उनकी कैपेसिटी बढ़े तो और उसमें भी करें, पंजाब इतना बड़ा सूबा है तो उसको बड़े पैमाने पर करना चाहिए। इस तरह नेशनल बुक फाउंडेशन के ताउन से हमने 2 दफा इस्लामाबाद में किया, फिर हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें नेशनल बुक फाउंडेशन और पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन दोनों शामिल थी कि हम पिशावर और कोयटा में करेंगे, लेकिन उस जमाने में यह हुआ कि इस्लामाबाद के मेरियट होटल पे हमला हो गया और वो इस्लामाबाद का फेयर भी खत्म हो गया और कोयटा और पिशावर तो फिर नहीं हुआ। तो ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात और बेहतर करे। तो हम लोग मैंने आपके पहले भी कहा ना कि हम अंदरूने सिंध अंदरूने पंजाब हर जगह जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गांव गांव देहात देहात बुक फेयर हो। जी ये बताइएगा, अभी जो पेपर बहुत महंगा हो गया है, जी जो पेपर है वो बहुत कॉस्टली होती है, तो क्या जो पब्लिक की इंडस्ट्री है
उससे भी हुआ है असर अंदाज पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अलावा जो परचेजर है वो भी उससे मुतासर होगा। भाई बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही जबरदस्त है और ये मुझे अपनी बात में कहना चाहिए था। कागज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं इस वक्त और पाकिस्तान के अंदर 5 लोगों का एक ग्रुप है जो कि जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो पाकिस्तान में पेपर इंडस्ट्री चलाते हैं। उसमें एक पाकिस्तान में प्रीमियर पेपर मिल जाती है, एक उसमें मंडियाली आती है, एक उसमें एक 2-3-4 मिले और आती हैं, डबल ए आती है और फ्लाइंग आती है। अब ये क्या करते हैं कि ये हर साल साल में कम से कम 3 दफा कीमतें बढ़ा देते हैं और इनकी प्ली ये होती है कि इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा साहब बिल्कुल ठीक है आप बढ़ाएं सब चीजें करें, लेकिन जब इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूटी लगा दी है कि आप बाहर का कागज नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम आप जो किताबें तालीम के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होती है उसकी क्वालिटी को तो बेहतर कर दें। उसकी क्वालिटी ये इतनी खराब रखते हैं कि अगर आप चाहें तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें देख लें कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें उनका पब्लिशर जिसमें मैं भी शामिल हूं हम मजबूर है कि हम उन 5 मिलों से कागज खरीदें जो वो देंगी क्योंकि उनका पास हुआ होता है पंजाब के लिए भी, सिंध के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी और बलूचिस्तान के लिए भी। इसी तरह जब वो किताबें हम प्राइवेट पब्लिकेशन में लेकर आते हैं तो हमारे पब्लिशर इंटरनेशनल फेयर में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी किताबों की जो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती जो दीगर दूसरे ममालिक की होती है। इसमें पब्लिशर का कोई मसला नहीं है, इसमें सारा मसला है किताब के कागज का। मैंने हर दफा ये रिक्वेस्ट की है हुकूमत से और अभी भी मैं आपके तवस्सुत से ये अपील करना चाहता हूं कि कम से कम जो कागज किताबों की छपाई में इस्तेमाल होता है, एजुकेशनल बुक्स में इस्तेमाल होता है, उस किताब पे ड्यूटी को कम कर दें। ड्यूटी को खत्म करने का मैं नहीं कह रहा, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क जो है वो परेशानियों में जाए, जितनी परेशानियों में है बस वो बहुत है। लेकिन अल्लाह ताला जो वो आपका साथी जब होता है, जब हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए तो बुक पब्लिशिंग और उसके लिए कोई ऐसी नहीं है। जो आपको किताबें नजर आ रही हैं इस वक्त, हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंध की बात करते हैं कि आप टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें उठा लें, उनका कागज देख लें आप, लेकिन उससे अच्छा कागज अवेलेबल नहीं है, वही कागज अप्रूव हुआ है और इंपोर्टेड कागज उससे 4 गुना कीमत पे है। अगर वो प्राइवेट पब्लिशर छापते हैं, ऐसे बहुत से जो बड़े इदारे हैं जो कि इलीट क्लास के लिए किताबें छापते हैं, वो इंपोर्टेड कागज इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें बेइंतहा होती हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हमारे जहन में बात होती है मासेस की, एक आम पाकिस्तानी की। तो जो भाई ने पीछे से सवाल किया कागज का वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप भी इसमें हमारी मदद करें, आप भी कोशिश करें कि उस दिन जब एजुकेशन मिनिस्टर साहब आए तो आप उनसे कहें कि आप कागज के लिए क्या कर रहे हैं, इतना महंगा कागज है। आप किताबें देखें टेक्स्ट बुक बोर्ड वगैरह की कैसी किताबें छप रही है लोकल कागज के ऊपर, तो आप कम से कम इंपोर्ट पे जो कागज किताबों के लिए आता है जो कागज का साइज होता है फर्क, उस पर तो ड्यूटी कम कर दें। आप दीगर चीजों पर ड्यूटियां कम करते हैं ना, तो आप उस पर कम कर दें। ये जरूरी थोड़ी है कि कुत्ते का खाना, बिल्ली का खाना और दीगर चीजें जो है वो सुपरमार्केट्स में मिल रही हैं और वो उसकी उसको बैन कर दें। मैं नहीं कहता कि आप नहीं करें, लेकिन जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उसमें तालीम हमारे लिए अवलियत है और तालीम के लिए किताब और किताब के लिए कागज है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें आप हमारी मदद करें और उस दिन जब मिनिस्टर साहब आए तो आप उनसे कहें कि ये कागज क्यों नहीं कम हो रहा और अगर कम नहीं हो रहा तो आप इंपोर्ट पे कम करवाएं। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। चाय तैयार है, तशरीफ लाइए।